आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप किस तरह वीडियोस बनाते हो, वॉइस एडिटिंग किस तरह करते हो और बाकी वीडियोस कहाँ शूट करते हो और किस फोन से आप वीडियो बनाते हो। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तुम उनसे वफा की उम्मीद रखते हो जो तुमसे लास्ट सीन छुपाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो होप सो आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप किस तरह वीडियोस बनाते हो, वॉइस एडिटिंग किस तरह करते हो और बाकी वीडियोस कहाँ शूट करते हो और किस फोन से आप वीडियो बनाते हो। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं जो जगह हम लोगों ने चूज़ की है फिलहाल। अबकर अभी किधर जा रहे हैं? हम अपनी लोकेशन पर जा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा, अभी लोकेशन पर जा रहे हैं। वो सामने आप लोग जो सूरज देख रहे हो ना, अभी तो आज मौसम इतना वो नहीं है, तो देखते कि वहाँ का माहौल फिर किस तरह होता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग रहो साथ हमारे, फिर देखते हैं। सो अभी हम निकल चुके हैं अपनी जॉब, जो जगह हम लोगों ने चूज़ की है, तो अभी हम उधर जा रहे हैं कि वो जगह कैसी होगी फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। तब तक आप लोगों के लिए, आप लोग इंतज़ार करो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हो असर का टाइम है। असल हम जब वेट बनाते हैं तो असर का टाइम होता है, असर से पहले हम वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम सूरज इतने वो नहीं होता, इतने गर्मी नहीं होती, माहौल भी थोड़ा सा ठंडा होता है। तो अभी हम निकल चुके हैं और जब पहुँचेंगे तो फिर आप लोग बताएँगे। तो अभी हम पहुंच रहे हैं और ये देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि वो क्या कहता है, मेरा कैमरा मैन भी और वीडियोस भी अच्छे बनाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वीडियोस बनाने में। तो स्पेशल मैंने इनको रिकमेंड किया है और इसको बताया था कि आज आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है। तो मैं भी बहुत बिजी होता हूँ क्योंकि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और मैंने सोचा था कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊंगा वीडियोस बनाने के लिए और व्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल पेशावर में होता हूँ, तो टाइम बहुत बिजी चल रहा है मेरा। अभी मैं 3 दिन छुट्टी पे हूँ, तो सोचा कि चलो अपनी पब्लिक के लिए प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ बनाए। तो लोकेशन के बारे में आप क्या कहते हो? लोकेशन फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन मुझे पसंद आया बहुत, इंशाल्लाह वीडियो भी अच्छी आएगी। ये लोकेशन जो है ये हमारे घर के साथ थोड़े से फासले पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू आता है। पीछे ये मंजर आप लोग देख सकते हो, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितना प्यारा व्यू जो है ना आप लोग को मिलेगा यहाँ पर। तो इतने फासले पर दूर भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी रोक लो, यहाँ से फिर हम वीडियोस बनाएंगे। तो पब्लिक यहाँ पर यूज, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, हम वीडियो शूट करेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए वेट करो। Pull up on you like agency. Deta asrat manfi. Tujh mein dar hai, I can sense it. Left you bloody. हाँ पब्लिक, हमारी वीडियोस शूट हो चुकी है, अभी मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी देख लो कि मैं किस तरह इसको एडिट कर रहा हूँ और कौन कौन से ऐप्स में यूज़ कर रहा हूँ और कौन कौन से फ़िल्टर में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ आप लोगों को प्रीक्वेल ऐप जो है ना आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना है। देन इसके बाद आप लोगों को मैं फ़िल्टर बताऊँगा कि कौन कौन से फ़िल्टर आप लोगों ने यूज़ करने हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। प्रीक्वेल ऐप जो है हमारे पास ओपन हो चुका है, तो इसको क्रॉस करते हैं, फिर वीडियो सेलेक्ट करते हैं, जो वीडियो को हम सेलेक्ट कर एडिट करना चाहते हैं। तो वीडियो आ गई है, अभी इस पर मैं जो फ़िल्टर यूज़ वो कर रहा हूँ, फोकस फ़िल्टर है, आप लोगों ने वो लगाना है, ठीक है? मैं फोकस इस पे आप लोगों ने क्या करना है, फ़िल्टर जो है ये फुल ज़ीरो करना है। इसके बाद डिस्पर्शन जो है वो मैं 22 लगभग जो है ना 25 तक कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि दूसरा ऐप जो है ना, दूसरा फिल्टर जो है सोलो, इसको वो करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसको डन करना है। इसके बाद पे जो है ना ब्लैक फिल्टर आप लोगों को मिलेगा, या डार्क के नाम से आप लोगों को फ़िल्टर मिलेगा, आप लोगों ने वो चूज़ करना है। फ़िलहाल डार्क जो है ना वो चूज़ नहीं हो रहा क्योंकि नेट का इशू है, तो मैं क्या करता हूँ ब्लैक फ़िल्टर जो है इसको लगाता हूँ।
ये तीन फिल्टर आप लोगों ने यूज़ करने हैं, सोलो, फोकस और ब्लैक। ऐसे जो आपकी वीडियोज़ है वो थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी और आप पहले उसमें अपने वीडियोज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। फ़िल्टर को बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा करना है या बिल्कुल ज़ीरो करना है, अपनी वीडियो के हिसाब से उसको एडजस्ट करते जाओ। पहले उसको ओके करते हैं, फिर सेव करते हैं, वीडियोज़ हमारी हो जाएगी सेव। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर जाते हैं नेक्स्ट ऐप में, फिर वहाँ उसको एडिट करेंगे। अभी नेक्स्ट ऐप में जाते हैं, VN काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है, आप लोग के लिए भी मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लो। क्या बोला तूने? और यहाँ से अभी इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो देखते हैं कि किस तरह मैं टेक्स्ट जो है इसमें ऐड करता हूँ। आप लोग भी देखना और सीखते जाओ और इंजॉय करते जाओ वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसके बाद इसको उर्दू में वो करते हैं कि बोर्ड जो है मैं उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ। इसके बाद जो मैं बोलता हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखना है, तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं लिख रहा हूँ। वीडियो के हिसाब से आप लोगों ने टेक्स्ट जो है ना ऐड करना है, जिस तरह आपने बोलना है, जो चीज़ आपने बोलना है, जो पोइट्री आप करते हो उसी के हिसाब से आपने उसने लिखना है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस तरह मैं बोलता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ और इसकी मैं एडजस्टिंग कर रहा हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ जो टेक्स्ट जो है ना वो भी साथ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब जो मैं बोलता हूँ उससे पहले वो टेक्स्ट जो आ रहा है, नहीं, वो आपने ख़ुद जो है ना एडजस्ट करना होगा। आप लोग सिर्फ यही सीखो किस तरह मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ और किस तरह जो है ना मैं लिखाई कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग सामने आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आएगा, बस यहाँ से आप लोग सीखते जाओ। पब्लिक ये बहुत डिमांडेड वीडियो है, लोग बहुत कह रहे थे कि मुझसे, तो मैं एक एक को पर्सनली रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि मेरे भी बिज़ी रूटीन चल रहा है। बहुत दोस्त हैं मेरे मुझसे पूछते या मुझे वीडियो सेंड करते कि मेरे लिए वे एडिट करो, तो मैं किसी को खफा तो नहीं कर सकता, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई है, तो मैं इनको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ से जो है ना एडिटिंग सीख सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक इजी तरीका है और आप लोग के लिए भी बहुत आसान तरीका है, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। फिर भी अगर कोई मुश्किलात हो तो कमेंट करो, इंशाल्लाह फिर भी मैं आप लोग के लिए इस तरह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को बनाऊंगा, फिर आप लोग के लिए इंशाल्लाह जिस तरह आसानी होगी आप लोग के लिए मैं उस तरह वो करूँगा। तो ये मुझे मेरे जहन में एक आइडिया आ गया कि चलो पब्लिक के लिए इस तरह वीडियो बनाई जाए, जिससे कि जितनी भी मसाइल हो, जितनी भी उसके मसले हो, वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको लिखाई जो है थोड़ा मैंने ब्लैक कर दिए, अभी एडजस्ट भी हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो। हाँ पब्लिक, हमारी शायरी जो मैंने शायरी की है अभी वो सारा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी गिरने में जाऊँगा, इसके लिए जो बैकग्राउंड जो मैं इसके ऊपर लिखाई करता हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड फॉर्म में है, तो यहाँ से वो भी लगा देता हूँ। तो इसके ऊपर अभी लिखाई जो है ना उसकी एडजस्टिंग करता हूँ ताकि वो सही आ जाए। अभी हमारी वीडियो जो है ऑलमोस्ट बस फिनिश हो चुकी है, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ सेव और आप लोगों ने देखना भी कि हमारी वीडियो सही है कि नहीं है। तो ये सिंपल सा एडिटिंग का तरीका है, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ना वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट करो, इंशाल्लाह आप लोगों को फिर भी मैं बताऊँगा। तुम उनसे वफा की उम्मीद रखते हो जो तुमसे लास्ट सीन छुपाते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है, बाय।